Hello everyone, welcome to Anytime Education. So our next topic is atomic size. Atomic size ka meaning hota hai atomic radius. It means it is the distance between nucleus and the outermost shell. Jitna hamara distance hoga nucleus aur outermost shell mein use hum bolenge atomic size. To jaise hum dekh sakte hain yahan pe, agar hum yahan par banaye ek nucleus aur hum yahan par shells banaye, like this is first shell, fir second, fir third. तो ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, उसे हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडियस. अब हमें ये चेक करना है कि ये जो एटॉमिक रेडियस होता है ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे या अलोंग द पीरियड जाएंगे. अब हम चेक करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप में क्या ट्रेंड रहेगा इसका. तो जैसा कि यहां लिखा हुआ है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, यानी अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा. बट अभी हमें यह समझना होगा कि इसके पीछे इसका रीजन क्या है. एक बार डायग्राम को समझते हैं. इसमें क्या दिया हुआ है, तीन एलिमेंट्स लिए हमने फर्स्ट ग्रुप के. एक है लीडियम, दूसरा है सोडियम और तीसरा है पोटेशियम. एटॉमिक नंबर इज 3, 11, 19. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज 2, 1. इट मीन्स दो शेल है. तो आपके पास, इट मीन्स हम ये देख सकते हैं यहां से कि इस केस में जो एटॉमिक रेडियस होगा वो इतना होगा कुछ. सेम नेक्स्ट केस में हम देखें, नंबर ऑफ शेल्स कितने हो गए हैं? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो गए हैं, दैट इज 2, 8, 1. नंबर ऑफ शेल्स कितने हो गए हैं? 3. तो यहां पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास ये हो गया है, एटॉमिक रेडियस अब बढ़ गया है. एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ गया है? बिकॉज वन एक्स्ट्रा शेल इज एडेड, एक एक्स्ट्रा शेल एड हो गया है. सेम नेक्स्ट वाले में हम देखें, पोटेशियम के केस में 2, 8, 1. इट मीन्स नंबर ऑफ शेल्स आर 4. नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं यहाँ पे? 4 हैं. इट मीन्स एटॉमिक रेडियस और बढ़ गया है यहाँ पे. तो हमें क्या कंक्लूजन क्या निकला हमारा, कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. व्हाट इज द रीजन? तो रीजन है, एज वी गो डाउन द ग्रुप वन एक्स्ट्रा शेल इज एडेड, एक शेल इंक्रीज हो रहा है. दिस इंक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा. तो ये था कि डाउन द ग्रुप में क्या टेंडेंसी है एटॉमिक साइज की, कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. अब चेक करते हैं अलोंग द पीरियड. अब जैसा इसमें दिया हुआ है डायग्राम में, हम देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लीडियम टू कार्बन. लीडियम का सबसे बड़ा है यहां पे और कार्बन का सबसे छोटा है एटॉमिक साइज. अब इस पे क्या रीजन होगा वो देख सकते हैं हम. अलोंग ए पीरियड में क्या सेम रहता है, अगर हम चेक करें कि अगर हम यहां पर बनाएं कि लीडियम और उसके बाद है बेरिलियम, फिर है बोरॉन और फिर है कार्बन. एटॉमिक नंबर 3, 4, 5 एंड 6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो क्या बनेगी? 2, 1, 2, 2, 2, 3 एंड 2, 4. इट मीन्स चारों ही केस में जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स हैं दे आर सेम. नंबर ऑफ शेल्स सब में सेम है, फिर एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ेगा? तो उस पर हमें यह ध्यान रखना है. उसको समझने के लिए हम यहां पर देखते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट में, आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है. तो उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज प्रोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा. और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर आ जाएंगे. इट मीन्स अगर हम लीडियम से बेरिलियम पे जाएं तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, फिर अगर हम बेरिलियम से बोरॉन की तरफ जाएं तो पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा. और जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ये डिस्टेंस कम होता रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. तो यही इसका रीजन है. एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस. पॉजिटिव चार्ज क्यों इंक्रीज हो रहा है? बिकॉज इन द चेंज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस विच अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट. उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स द न्यूक्लियस. दिस डिक्रीजेस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल. इसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस कम हो जाएगा. तो कंक्लूजन क्या लिखा, कि अलोंग ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है व्हाट इज एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, डाउन द ग्रुप कैसे इंक्रीज हो रहा है और अलोंग ए पीरियड कैसे डिक्रीज हो रहा है. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. थैंक यू.